हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजीव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फुटहिल्स एकेडमी। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम समझने की कोशिश करेंगे इसके प्रॉपर्टीज से। आपको पता है कि अगर दो प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब रखते हैं, दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो वो रिपेल करेगा आपस में, तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इनमें फोर्स अप्लाइड होता है कुछ ऐसा कि फोर्स इन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रैक्ट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। लेकिन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आप इंटरैक्ट करवाएं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप इंटरैक्ट करवाएं तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है। जैसे ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं, मान लो कि F1 फोर्स से, सपोज करो ये F1 फोर्स से धकेल रहा है एक दूसरे को, क्योंकि जब धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स ही करेगा। सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में F2 फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं एक दूसरे को, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं सपोज करो F3 फोर्स से। तो इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करने के लिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, इस प्रॉपर्टीज को हम चार्ज कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज रिसाइड करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इन सभी पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, इनके अंदर जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, हम चार्ज को इसके एक बिहेवियर से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, चार्ज का बिहेवियर हो गया, तो हम इसे इसके बिहेवियर से डिफाइन कर रहे हैं। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक चार्ज इज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता कैसे है? जैसे हमने दो बॉडी लिया, अब दोनों बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो रब करने की वजह से होगा यूं कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, और ये ट्रांसफर होने की वजह से दोनों में चार्ज डेवलप हो गया, और वो जो चार्ज डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेटली बात यूं हुआ कि रब करने की वजह से फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ। कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। एक ग्लास रॉड है और दूसरा सिल्क क्लॉथ है।
इस फिगर में देखिए ग्लास रॉड एक सिल्क क्लॉथ है, हमने इस ग्लास रॉड से जब सिल्क को हम लोग ग्लास के ऊपर रब करते हैं तो होता यूं है कि जब जो ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो पहले यहां से ग्लास रॉड से वो इलेक्ट्रॉन मतलब लूजली बाउंड मतलब आसानी से जो रिलीज हो सकते हैं, जबकि सिल्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब उससे आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों को रब करने से रगड़ने से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर सकता था वो रिलीज कर देगा, मतलब ग्लास आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और सिल्क में चला जाएगा। तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कम होने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेना, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेना, मतलब बॉडी से बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है इसलिए ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्लास रॉड पे कैसे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे आया, क्योंकि ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं सिल्क क्लॉथ से। तो ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। ना एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वेन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फ्लैनल, फ्लैनल इज नथिंग इट इज ए कैट्स फर, ठीक है। सो जब इबोनाइट रॉड को हम लोग कैट्स फर पे रब करते हैं रगड़ते हैं तो इसमें फ्लैनल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं इबोनाइट रॉड से, इसलिए रब करने पे फ्लैनल का इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज जो है वो ट्रांसफर होकर चला जाता है इबोनाइट रॉड में और इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेता है। सो व्हेन इबोनाइट रॉड एंड फ्लैनल दैट इज कैट्स फर आर रब टुगेदर द कॉम्पेरेटिवली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लैनल गेट्स ट्रांसफर टू इबोनाइट, एज अ रिजल्ट इबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड फ्लैनल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। आई होप ये तो आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ अब हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं कि किस केस में पॉजिटिव चार्ज बनेगा और किस केस में नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये हमने एक टेबल बनाया है column 1 एंड column 2। column 1 में देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने बनाया कि और column 2 में जो पार्टिकल मैंने बनाया वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब आपस में इन दोनों को आप रब करेंगे, अगर ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। आप वुल को रब करेंगे इबोनाइट से चाहे अम्बर से तो वुल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट ये जरूरी नहीं कि ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप अगर चाहे सिल्क ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होगा, आप अगर सिल्क को पॉलिथीन से रब करते हैं तो सिल्क पे ऊपर जो है ऊपर वाला जो पार्टिकल टेबल में है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब कि आप अगर सिल्क को पॉलिथीन से रब करते हैं तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉलिथीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट हमने देखा था कि अगर ग्लास को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव आता है और सिल्क पे नेगेटिव आता है, तो ऊपर जो ऊपर वाले पार्टिकल को अगर नीचे वाले पार्टिकल से अगर हम रब करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। ये कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव होता है, ये नहीं कि एक फिक्स हो गया कि हमेशा पॉलिथीन नेगेटिव आएगा चाहे हमेशा इबोनाइट पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप किससे किसको रब कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इस वीडियो सीरीज में हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आगे वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।